चार धाम यात्रा के प्रथम पड़ाव माँ यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह है जानकी चट्टी जगह और यहाँ से यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल, यहाँ से स्टार्ट पैदल का। और टाइम देखते हैं कि आज कितना देर में पहुँचेंगे। 7:57 मतलब 8 बजे स्टार्टिंग किया। ये रहा ऊंचा ऊंचा पहाड़ और ये लकड़ी का घर जैसे नेपाल में होता है। अरे सारे लोग से चल रहे ना माता जी, इधर सारे दुनिया इकट्ठी हो गई है। हेलो। और ये आंटी परेशान है, वो पिट्ठू वाला बैग होता है उस पर बैठने के लिए। देख सकते कितना ऊंचा पर्वत है, तो 3400 कुछ ऊंचाई पे जाना है मीटर। ये घर देखिए कैसा। ये मैया का गेट है ना, इस पे आ गए हम सामने टोकन गेट है। टोकन टोकन हैं इधर, गेट आ गया इधर। कार्तिक जी और इधर यमराज जी है, ऊपर माँ लक्ष्मी जी है। और ये गेट ख़त्म हुआ और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी में तय कर चुका हूँ, लेकिन रुका नहीं अभी तक। मज़ा आ रहा है चलने में। और ये देखो, नहीं 2.5 किलोमीटर हुआ अभी तक यमुनोत्री, 4.5 किलोमीटर। धरती के स्वर्ग उत्तराखंड में आए हुए समस्त श्रद्धालु को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये देख सकते हो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अकेला हूँ अभी फिलहाल। यमुनोत्री की चढ़ाई बहुत आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं। अभी तक मैं थका नहीं, 2-3 किलोमीटर चले गया होगा। केदारनाथ करने के बाद ऐसा कोई चढ़ाई नहीं है जो हार्ड लगता है। देखो, और ये केदारनाथ जी से सब बहुत साफ रखते हैं। इधर नदी बह रही है, वाह गजब नज़ारा। गजब यमुनोत्री 5 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पैदल मैं चल चुका हूँ। और ये देखो चार गंदे वाले भैया सबको, इधर हिट्टू शेट, इधर भी चार गंदे। इस सब का मेहनत देखो यार, ये खाली नहीं चला जा रहा है, ये लोग चार चार लेके, एक आदमी को 4 आदमी उठा के ले जाते। जाइए, खाली है आपका? नहीं यार, ये देखो इनका क्या हाल है इनका। अरे नहीं आंटी, चलो ये देखो पहाड़ ऊपर मैं नीचे, घोड़ा इधर, घोड़ा के ऊपर आलसी लोग बैठे हुए हैं और चल रहे हैं। पूरा दूरी और है मतलब 3 किलोमीटर अभी जाइए। और ये देखिए क्या दिक्कतें हो रही है घोड़ा को। देवा 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 भाई साहब, इतना चराई है फिर भी देख सकते घोड़ा के साथ ठेलम ठेल किया जा रहा है। ओ भाई ये देखो, हर हर महादेव, वाह ये देखो चार कंधे कैसे हारे लेकर जा रहे हैं। जय माता दी। ये सारे नेपाली भैया हैं जो यहाँ पर आगे कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। ये देखो, आपको लगता होगा कि इस पे बैठ के बूढ़ा और ये जाते हैं, तो यहाँ देखिए जवान जा रहे हैं। और ये भैया की मेहनत देखो यार, आधा से ज़्यादा दूरी तय होने के बाद आपको मिलेगा ये भैरव बाबा का मंदिर, भैरव सिद्धपीठ। और यहाँ पे लोग आकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद यहाँ पे
मिल जाता है ताकत और पावर, और फिर से स्टार्ट हो जाता है पैदल चलने का प्रक्रिया। और ये देखिए सामने लोग कितने अच्छे से जाते हैं, आसानी से घोड़ा से भी जा रहे हैं, जिसके टांग है वो भी घोड़ा पे जाते हैं, जिसके टांग नहीं हो भैया। और ये भाई लोग की तो बात ही अलग है, कितना मेहनत करते देख सकते हैं। यमुनोत्री नदी है, और यहाँ यमुनोत्री नदी में शव स्नान करने के बाद अपना पाप को ख़त्म कर देता है, ऐसे लोग कहते हैं। ओ दीदी गिर गई वो, और गिरने के बाद दादा जी गुस्सा कर रहे हैं, और गिर गए। और वहाँ से फिर लोग यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर है, यहाँ पे पूजा करते हैं, और ये धार है चल रहा है अच्छे से। तो मैं फाइनली यमुनोत्री धाम पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा स्नान करने का प्रक्रिया है, तो हम भी पूरा करते हैं थोड़ा। जय भोलेनाथ। फाइनली हम आ चुके हैं यमुनोत्री धाम, और ये यमुना जी का मंदिर है जो 3600 कुछ मीटर की ऊंचाई पे है, और इसके अंदर कैमरे लाओ नहीं है अंदर। और यहाँ से अभी हम आपको दिखाते हैं यमुनोत्री नदी, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और ये रहा यमुनोत्री नदी, यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं। और यहाँ से ना स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर निकलते हैं आगे की तरफ, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए जल चढ़ाते हैं। और ये रहा, और आज मेरा छोटा चारधाम यात्रा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।